मतलब पूरी दुनिया जो इंसुलिन लगा रही है, जो सोचती है इंसुलिन जिंदगी भर लगानी पड़ती है, इनकी सिर्फ 4 दिन में छूट गई, और तब से लेकर अब तक 2.5 महीने हो गए दोबारा इंसुलिन नहीं चली, नहीं। और बिना इंसुलिन के शुगर नॉर्मल आ रही है, बीपी नॉर्मल 83-86 ऐसे ही आ रहा है बस। तो आचार्य जी मैं जानना चाहूंगा कि देखिए असंभव कार्य को जिस तरह से हिम्स में लगातार संभव किया जा रहा है, इसके पीछे मुख्य मुख्य क्या आप थेरेपीज या क्या ट्रीटमेंट फॉलो करवाते हैं मरीजों को? सबसे पहले थेरेपी होती है 0 वोल्ट थेरेपी, जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं, नंगे पांव घास पे घूमना। जो नंगे पांव नहीं घूम पाता, हम उसकी बेडशीट के ऊपर ही अर्थिंग करके उसको, इनकी चद्दर वो 0 वोल्ट वाली लगी हुई है। नंबर 2 भरोसा आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे, विश्वास कि ये पैथी मेरा शरीर मुझे वापस खड़ा करेगा, वो विश्वास। एक है हमारे यहाँ लिविंग वाटर, जो हम पानी के अंदर लिविंग लाइव एंजाइम्स डेवलप करते हैं, लाइव फोर्स डेवलप करते हैं, क्योंकि पानी हम जो पी रहे हैं वो डेड वाटर है। इसके अलावा हम बात करते हैं DIP डाइट की, एक हम करते हैं बॉडी क्लॉक को सेट, सर्केडियन रिदम, फिर हम साथ में यूज करते हैं पंचकर्मा की थेरेपीज। आयुर्वेद कहता है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मतलब सर्व रोग दुनिया में जितने भी हैं तो उनका निदान कुपित मल को निकाल दो। तो हमने इनकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकाले, उससे बॉडी अपने आप रिजनरेट हो गई, रिपेयर हो गई। इसके बाद एक बात आती है पंचकर्मा थेरेपीज, जिसमें हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और इसके अलावा रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक, यहाँ का माहौल, गंगा का किनारा जी। और हमारे डॉक्टर्स की हेल्प केयर और इनका भरोसा, ये सब चीज़ें मिलकर सब कुछ करके ना बॉडी अपने आप ही अपने आप को रिकवर करती है। जो लोग बोलते हैं किडनी ठीक नहीं हो सकती, किडनी रिकवर नहीं हो सकती, उनके सामने भारती की मम्मी खुद जीता जाता प्रमाण है। भारत का आयुर्वेद, विश्व का उपचार।